नहीं, बंद नहीं होगी, चालू रहेगी। अच्छा ये बताइए कहाँ कार्रवाई करेंगे इससे जाके? ये जो रोड पे झुग्गियाँ बना रखे हैं, दुकान बना रखे हैं, उनको हटाना है। उनको हटाने जा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि ये जो पैसेज है, दिक्कत हो रही थी तो इसलिए इसको हमने हटाने का कई बार इसलिए हमने लास्ट के काम कर लिया। ये देखो ऐसा है कि ये तो हम जब पूरे दिल्ली के लिए यहाँ पर आए हैं, अभी दिल्ली यहाँ से शुरू हुआ। आपण पूरा चित्र देखुछंती, ये चित्र होची दिल्ली जहांगीर पुरी रे बुलडोजर चलिबार चित्र। पुलिस छाउणी रे परिवर्तन होईछि पूरा अंचल। गृह मंत्रालय रो तागिद परे एबे एक्शन रो समय आसीछि। हनुमान जयंती समय रे हिंसा परे एबे कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछि पुलिस प्रशासन। हिंसा रे शामिल अभियुक्तंकर बेआइन संपत्ति उपरे वर्तमान बुलडोजर चलिछि। देख लेता हूँ, जैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये जो अभी डेमोलिशन ड्राइव हुई है वो इलीगल है, इस वजह से स्टेटस को मेंटेन किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इस मैटर को सुनेंगे और आज के लिए ये रोक दी जाए। आप तक अभी कोई मैसेज आया सर? नहीं, मेरे पास अभी मैसेज नहीं है एक्चुअली, क्या मैं फोन उठा नहीं पा रहा। अभी मैं डिस्कस करके जैसे भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर पालन किया जाए। तो आप लोग तुरंत अभी बुलडोजर हटा लेंगे जैसे ही आपको? बिल्कुल 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 बिल्कुल, उस पर हम एक्शन लेंगे। सर, सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है। यहाँ पे जो आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इस पे स्टेटस को लगाया जाता है, यानी आपको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हम उसको बिल्कुल मानेंगे जी, बिल्कुल उसको मानेंगे। और सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है और बिल्कुल हमें विश्वास है सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी उसका पूरा हम पालन करेंगे। सर, आपने इन लोगों को नोटिस दिया था पहले ये कार्रवाई करने से पहले? नहीं, देखो ये सरकारी जमीन पे इन्होंने कब्जे करके कबाड़ हटा रहे हैं, आप लोग खुद ही हटा रहे हैं, हम तो उनके साथ ही लग गए। सर, एंक्रोचमेंट के लिए नोटिस की जरूरत होती है एंक्रोचमेंट हटाने के लिए? नहीं, देखो ये सरकारी जमीनें थी, कबाड़ की यहाँ दुकानें थी, हमने इनको कई बार इनको कह रखा था, तो अब ये अब मुझे लग रहा है कि अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सुप्रीम कोर्ट ने अब जो है पूरा रोकने के लिए कह दिया, जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। आप तक आया कोई कम्युनिकेशन आया अभी? नहीं, अभी मैं अपनी अधिकारियों से बात करता हूँ, उनको हो सकता है कम्युनिकेशन आया। कमिश्नर भी क्योंकि यहीं पे है तो मैं अभी आपसे फ्री होकर कमिश्नर साहब को बुलाता हूँ, बिल्कुल उसको रुकवाता हूँ। सबसे बड़ा सवाल टाइमिंग को लेकर है क्योंकि दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आपको चिट्ठी लिखी, उसके बाद आपने इस कार्रवाई की अनुमति दी है? नहीं, देखो ऐसा ही, ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था उसी जो चीजों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। देखो ऐसा है कि ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जंगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। सर, कई पार्टियां इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि इससे बदले की कार्रवाई है भाजपा की और एक धर्म विशेष को टारगेट करके। नहीं नहीं, देखो ऐसा है कि हमारे मन में कुछ ऐसा भाव नहीं है, ना कोई हमारी इंटेंशन है, क्योंकि एमसीडी ने एमसीडी का काम करना, यहाँ राजनीति वाली कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको हम फॉलो करेंगे। इसके बाद क्या कुछ आप लोगों का कदम होगा? सुप्रीम कोर्ट अगर इस स्टेटस को लगा देता है? नहीं, तो हम इसको रोकेंगे। मेयर लाइफ ठीक इसको रोक देंगे। तो आप देखुंत पूरा चित्र दिल्ली जहांगीरपुरी चित्र एवं वर्तमान जे रामनवमी पर जो हिंसा घटी एवं हिंसा रे जो अभियुक्त मैंने सामिल थे समानंकर जो बेआईन संपत्ति रही से बेआईन संपत्ति उपरे वर्तमान बुलडोजर चलुची एवं यापर पुलिस प्रशासन संपूर्ण भाव में छाउणी हो अंचल पुलिस प्रशासन जो अंचल सब हिंसा घटा जा अंचल तीक्ष्ण नजर रखी और सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हो दल पक्षर बीजेपी जो अभोग आनी वर्तमान से कहुच्छ हिंसार मास्टर माइंड जी रही अंसार एवं सहित ताहिर ये दुई जनकर संपर्क आम आदमी पार्टी सहित रही से वर्तमान बीजेपी अभियोग आनी गत काली गिरफ पांच जन अभियुक्त होते तदंतकारी टीम हिंसा स्थल और आखपाख अंचल पूरा तीक्ष्ण नजर रखी वर्तमान से बेआईन जो संपत्ति रही संपूर्ण भाव में बुलडोजर चली दिल्ली पुलिस कमिश्नर को तदंत निर्देश देते केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह। तबे हनुमान जयंती समय रे जो हिंसा देखा देथिला दिल्ली रे से हिंसा रे जो अभियुक्त माने रहितले समारंकर बेआईन संपत्ति उपरे वर्तमान बुलडोजर चालू छि जेथि पाई कि दिल्ली जहांगीरपुरी रे वर्तमान
पुलिस संपूर्ण भाव में छाउणी रही कड़ा बा तीक्ष्ण नजर रखिंट एक बीजेपी दल पक्ष बर्तमान अभियोग दल पक्ष हिंसा जो मैंने मास्टर माइंड थे से दुई अभियुक्त आम आदमी पार्टी सहित संपर्क रही गत काली पांच जन को गिरफ्त कर।